क्या एनाकोंडा दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है? दोस्तों, आपने एनाकोंडा फिल्म जरूर देखी होंगी। यह फिल्म एनाकोंडा के ऊपर ही बना था। इस फिल्म में विशाल एनाकोंडा को दिखाया गया है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। एनाकोंडा इस धरती पर सबसे बड़ा सांप है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एनाकोंडा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। बस आप अंत तक बने रहिए। यह बहुत ही विशाल सांप होता है। मादा नर की तुलना में बहुत ही बड़ी होती है। एनाकोंडा जब शिकार करता है तब अपना मुंह को बहुत ही ज्यादा खोल लेता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े शिकार को बड़े ही आसानी से पूरा के पूरा निकल जाता है। यह विष रहित जानवर है, इसलिए इसके काटने पर आदमी मरता नहीं है। इसके दांत लंबे और नुकीले होते हैं। अगर इसकी जीवन काल की बात की जाए तो इसकी आयु औसत रूप से 5 से 6 साल होती है, लेकिन अधिकतम 25 से 28 तक भी हो सकता है। एनाकोंडा मुख्य रूप से वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, पूर्वी पराग्वे, इक्वाडोर, उत्तरी बोलोएनाकोंडा, रोचक तथ्य, कोलंबिया और गुयाना में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। एनाकोंडा सामान्यतः जल के अंदर रहना पसंद करते हैं। यह रात के समय शिकार करने के लिए बाहर आता है। किसी भी नदी या तालाब का पानी सूखने पर वह नदी के तल के नीचे चला जाता है। जब यह अपना शिकार पर हमला करता है तो उसे मारता नहीं है, बल्कि यह शिकार के शरीर को चारों तरफ से लपेट लेता है। शिकार की दम घुटने से मौत हो जाती है। यह उसे अपना भोजन बना लेता है। एक बारी शिकारी को पचने में उसे महीनों तक का समय लग जाता है। कभी कभी वह अपने नुकीले दांत से भी अपना शिकार कर लेता है। एनाकोंडा अमेजोन के जंगल, ओरिनोको नदी घाटी, मेला बैकवाटर और उथली झील या झरने में उन्हें अच्छा लगता है। एनाकोंडा जमीन से ज्यादा पानी में खतरनाक होता है। यहाँ इसकी शिकार करने की ताकत अत्यधिक बढ़ जाता है। जब एनाकोंडा हमला करता है तो इसके ताकत हैवीवेट बॉक्सर की तरह होती है। दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में रहता है, जिसकी लंबाई 9 मीटर और वजन 130 किलो है। ऐसा माना जाता है कि जब मादा एनाकोंडा बच्चे को जन्म देती है या देने वाली होती है तो उस दौरान वह कुछ भी खाती पीती नहीं है, जिसके कारण वह कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि कभी कभी नवजात को जन्म देने के बाद भूख से मर भी जाती है। जब मादा एनाकोंडा उत्तेजित होती है तब वह हवा में एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसके कारण नर एनाकोंडा उसके ओर आकर्षित होने लगता है। इसकी आंख और नाक सिर के शीर्ष पर रहता है। इसका विकास आजीवन होते रहता है। एनाकोंडा के मल को देखकर यह पता लगाना मुश्किल है कि वह किस जानवर को खाया था। एनाकोंडा की लंबाई हर साल बढ़ती है। एनाकोंडा जमीन की अपेक्षा पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिविधि कर सकता है तथा अपनी सांस से 20 मिनट तक रोक सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।